हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ फिन निफ्टी फॉर मंडे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख पा रहे हैं एंजल वन एप्लीकेशन का न्यू फीचर इंस्टा ट्रेड FNO का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, उस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक का यूज में ले सकते हैं, और तो और आप अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल असाइन कर रखे हैं, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,842 का, दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,800 का, एंड तीसरा हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,760 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,940 का, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,985 का, एंड तीसरा हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 18,034 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिन निफ्टी का मार्केट हमारे पहले सपोर्ट 17,882 एंड हमारे पहले रेजिस्टेंस 17,940 के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। कल अगर फिन निफ्टी का मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का हो जाएगा 17,882 का, और इनकेस अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है देन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 17,800 का, और इसके साथ हमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के मार्केट में। इनकेस मंडे के दिन मार्केट फिन निफ्टी का मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देके हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल को जो कि है 17,940 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है देन उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा रेजिस्टेंस का 17,985 का। इस लेवल की तरफ अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर ले। अगर आपको लगता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है तो बाय करेंगे, एंड इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है तो बाय सेल करेंगे। बाय करने के लिए मैं बाय के बटन पर क्लिक करूंगा देन यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। मुझे एक लॉट लेना है तो मैं एक लॉट टाइप करूँगा। देन यहाँ नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में लेना है आपको उसमें टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना है तो मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूँगा। उसके नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय के बटन पर क्लिक करूँगा देन यहाँ कन्फर्म बाय। कन्फर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करें।